गई यही वाणी है क्या, कि मैं प्रजापिता को वर्षा देता हूं। क्या वो सुप्रीम सोल किसको वर्षा देता है? प्रजापिता को वर्षा देता है। और प्रजापिता अपनी सारी एड़ी चोटी की पावर लगाकर जो भी सारी शक्ति है मानवीय जीवन की जो शक्ति कही जाती है वो सारी शक्ति किसमें तिरोहित कर देता है? प्रकृति में, जिसे महाकाली का रूप दिया जाता है, जगदम्बा का सात्विक रूप कहा जाता है, महाकाली तामसी रूप है। जगदम्बा की पूजा होती है, उसमें भी चंद्रमा दिखाते हैं, प्रवेश है, पार्ट बजाने वाली आत्मा है। लेकिन वही ज्ञान चंद्रमा जब अपने शरीर से पार्ट बजाता था तो उसकी पूजा दाढ़ी मूछ वाले विकारी मनुष्य के रूप में दिखाया जाता था, इसलिए पूजा तो होती नहीं। कब होती है पूजा? जब दाढ़ी मूछ वाला शरीर त्याग करके किसी माता में प्रवेश करता है तो पूजा जाती। तो इसे साबित हुआ कि जगदम्बा तो डब्बा है, उसमें जो सहनशीलता की आगार है आत्मा, वो कौन है? ब्रह्मा वाली आत्मा। और जो जितना ज्यादा सहनशील होगा उतना ही ज्यादा सामना करने वाला भी होगा, इसलिए उसको शास्त्रों में धर्मराज युधिष्ठिर माना गया है। क्या है? धर्मराज, धर्म का राजा, धारणाओं का राजा, वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए वो धर्मराज जगदम्बा कहो, धर्मराज युधिष्ठिर कहो, युद्ध के क्षेत्र में वो आत्मा स्थिर रहने वाली है, छोड़कर भागने वाली नहीं है। जो विरुद्ध है क्या? देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि, ये विरुद्ध पहली बार दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा ने निभाया, वो ऐसा नहीं है। उसको जन्म देने वाला जो पिता था, ज्ञान का बीज डालने वाला, वो भी यज्ञ के आदि में वेदवाणी है, ब्रह्म वाक्य है कि उसकी लाश को गुम कर दिया गया। लाश भले गुम कर दी गई लेकिन उसकी भावना को कोई नहीं तोड़ सका। लाश गुम होने का कारण था, क्या कारण था कोई को पता होगा? धोबी घाट। हाँ, धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है। शास्त्रों में कपड़ा किसको कहा गया है? शरीरम, शरीर को वस्त्र कहा गया, इंद्रियों को घोड़ा कहा गया। शरीर रथ भी है, शरीर वस्त्र भी है। गीता में कहा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे आत्मा पुराने शरीर रूपी वस्त्र को त्यागती है और नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है तो शरीर क्या हुआ? वस्त्र हुआ ना। तो ये जो शरीर वस्त्र है वो वस्त्र माता के रूप में ब्रह्मा ने धारण किया और उसके बाप ने भी धारण किया,
जिसने ज्ञान का बीज डाला था ब्रह्मा में, तो कि तुम सत्ययुग में कृष्ण की आत्मा बनोगे। तुम्हारे साक्षात्कार का ये अर्थ है, जो तुमने साक्षात्कार किया है कृष्ण बच्चे का, तो जिसने साक्षात्कार किया था प्रैक्टिकल में, उसकी बुद्धि में बैठ गया, बाकी किसी की बुद्धि में नहीं बैठा। तो भले वो धोबी घाट की बात को लेकर के उस बेहद के वाशरमैन ने प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले ने शरीर त्याग दिया, परंतु अपनी धारणा को नहीं त्यागा। क्या नहीं? जो हाँ, जो ब्रह्मा भी उनका विरोध करता रहा उन मंडली में, बोला है ब्रह्मा की आत्मा ने इंटरफियर करके बोला, ब्रह्म वाक्य में ही बोला। क्या बोला याद है? ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, सामने बैठ करके योग की ड्रिल कराते थे, उनमें बाप प्रवेश करते थे। हम समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर माला में आ गए। उनको कितना समझाते थे विकार में मत जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब उनका पद भ्रष्ट हो गया। ये ब्रह्म वाक्य के महावाक्य हैं। ब्रह्म वाक्य पत्थर की लकीर होते हैं, उन्हें कोई काट नहीं सकता। तो क्या रिजल्ट निकला?